अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पे, कि डिप्रेशन क्या चीज़ है, क्यों होता है और किन वजूहात की वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ये एक खतरनाक इमोशन है, ये इतना खतरनाक है कि इंसान सुसाइड करने पे उतर आता है। कि जैसा कि आपने कुछ दिन पहले एक बड़ी ही सैड न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया के एक बड़े ही मशहूर एक्टर सुशांत सिंह ने सुसाइड कर ली। हालांकि हम सोचें तो इतनी कामयाबी के बावजूद भी इंसान सुसाइड कर सकता है, ये बड़ी एक हैरानकुन बात है। तो यानी सिर्फ कामयाब हो जाना ही हर चीज़ नहीं होती, मेंटल इलनेस भी किसी चीज़ का नाम है। यानी हम जितने मर्जी कामयाब हो जाएं, अगर हम मेंटली परफेक्ट नहीं हैं, हम मेंटली तौर पे पुरसकून नहीं हैं, तो हम कभी भी अपनी कामयाबी को कामयाबी फील नहीं करेंगे। हम आमतौर पे अपनी फिजिकल बीमारियों का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन हम अपनी मेंटली बीमारियों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। उनको हम बीमारियां काउंट ही नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी लगा लें, गलती लगा लें। हमें चाहिए कि हम जिस तरह अपनी फिजिकली बीमारियों का ख्याल रखते हैं, इसी तरह हमें अपनी मेंटली जो है, हमारी बीमारियां या डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो जिन लोगों में डिप्रेशन आमतौर पे होता है या जो लोग सुसाइड करने पे उतर आते हैं, आमतौर पे ऐसे लोगों में देखा गया है कि यानी या तो वो बहुत ज़्यादा सोते हैं या वो बिल्कुल नहीं सोते, या अगर वो सो गए हैं तो आधी रात को उनका या नींद से आँख खुल जाना और दोबारा नींद का ना आना, भूख का बहुत कम लगना, उसके अलावा यानी उनका किसी भी काम में जी नहीं लगता, यानी उनका हर तरह के काम में इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। और हर टाइम उन्हें सुसाइड करने के यानी अपनी ज़िंदगी को, अपने कैरियर को ख़त्म करने के ख्याल आते रहते हैं। हमें देखना चाहिए कि अगर हमारी फैमिली में, हमारे दोस्तों में, हमारे इर्द गिर्द अगर कोई ऐसे अफराद हैं जिनमें कुछ इस तरह की अलामत पाई जाएं जो हमें बेजार नज़र आएं अपने कैरियर से, अपनी जॉब से, अपने आप से, अपने माहौल से, तो हमें ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन है उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उसको टाइम दें, उसकी सुने, उसके अलावा उसके वॉक पे उसके साथ चले जाएं, उसके साथ वॉक करें, उसे एक्सरसाइज पे ले जाएं, उसके उसके साथ ख्यालात को शेयर करें, बातों को शेयर करें, उसके दिल की बातों को जानने की कोशिश करें कि ऐसी क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से वो ऐसे अपने आप को तन्हाई का उसने शिकार किया हुआ है, या वो तन्हा तन्हा रहता है, या किसी के साथ अटैच होने की कोशिश नहीं करता। यानी सबसे पहले हमें ऐसे लोगों की तन्हाई को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, फिर ही हम इस तरह उनकी यानी मेंटली उन्हें परफेक्ट करने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसी तरह के यानी केसेस हैं कि यानी आप सुशांत सिंह वाला देख लें कि यानी इतना कामयाब होने के बावजूद भी उस बंदे ने सुसाइड कर ली एक 34 ईयर की एज में, कि यानी एक इतनी कम एज में इतना यानी अचीवमेंट्स और इतने मिलियंस में फॉलोअर्स और इतना यानी वो बंदा मशहूर होने के बावजूद भी उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। ये एक डिप्रेशन की ही कोई वजूहत थी। और रिसेंटली एक इंडिया की और एक्टर है कंगना रनावत, उनके मुताबिक उनका कहना है कि जी मीडिया जो हमारा है, मीडिया के जरिए सुशांत पे, उसके कैरियर पे, उसकी लाइफ पे उन्होंने इतना नेगेटिव दबाव डाला कि जैसे वो डिप्रेशन में चला गया और उसने अपने आप को आहिस्ता 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 ख़त्म करने का फैसला कर लिया। यानी उसके मुताबिक, कहने के मुताबिक, यानी 6 महीने से वो मुसलसल इसी कैफियत में चला आ रहा था। यानी 6 महीने में किसी ने भी शायद इतना उसके करीब जाने की कोशिश नहीं की या उसे समझने की कोशिश नहीं की, और आहिस्ता आहिस्ता यानी उसे अपनी कामयाबी कामयाबी नज़र नहीं आई, उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया, अपनी लाइफ को ख़त्म कर लिया। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी हमें ऐसा, हमारा दोस्त, जानने वाला, फैमिली पर्सन को ऐसा नज़र आए जो हमें अपनी ज़िंदगी से बेजार लगे, जिसका जो अपने काम में इंटरेस्ट ना रखता हो, यानी बेजार बेजार नज़र आए, उकताया हुआ नज़र आए, डिप्रेशन में नज़र आए, जिसकी नींद डिस्टर्ब हो, खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब हो, यानी अपने आप को हर टाइम तनहा करने पे तुला हुआ हो, यानी अकेला अकेला रहना पसंद करे, तो हमें कोशिश करके ऐसे लोगों के साथ अटैच होने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह हम अपने दोस्तों की, अपने फैमिली पर्सन की, उन लोगों की मदद कर सकते हैं, उन्हें सुसाइड करने से बचा सकते हैं। तो अल्लाह ताला हमें हमेशा अच्छा करने की, भलाई करने की और दूसरों के काम आने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।